हेलो एंड वेलकम गाइस, माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज संजय, आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए गाइस, आज हम फेराडिक करंट का हम थर्ड वीडियो लेक्चर आपके लिए डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है ना। इसका मैं नोट्स तैयार किया हूँ और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप जगमोहन सिंह हो गया और नंदा की बुक है, वहाँ से भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिंपल भाषा में सिंपली लेकर आप सभी के लिए नोट्स लेकर आया हूं, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, फेराडिक करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा फेराडिक करंट हम किस किस चीज में उपयोग करते हैं, इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन इन सभी का बजाय फेराडिक करंट का दो चीज में हम उनका मेनली उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। फर्स्ट में फेराडिक अंडर प्रेशर में और दूसरा होता है फेराडिक फुटपाथ, ठीक है ना। किसमें? फेराडिक अंडर प्रेशर में और फेराडिक फुटपाथ में हम दो चीज़ों में उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, किसका? फेराडिक करंट का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फेराडिक अंडर प्रेशर क्या होता है, ठीक। फेराडिक अंडर प्रेशर में सिग्निफिकेंस देखें तो दिस टेक्निक इज यूज फॉर द रिलीफ ऑफ जनरलाइज एडिमा ऑफ अपर लिम और लोअर लिम। देखिए, इस टेक्निक का उपयोग, फेराडिक अंडर प्रेशर का उपयोग किसके लिए हम करते हैं? जनरलाइज एडिमा के लिए। याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, जनरलाइज एडिमा आप अपर लिम और लोअर लिम, ठीक है ना। जनरलाइज एडिमा को रिलीफ करने के लिए हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, किसका? फेराडिक अंडर प्रेशर का, ठीक है गाइस। अब डेफिनेशन देखते हैं इसका, क्या क्या डेफिनेशन है कि इट इज अ डिफाइन एज अ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दैट जनरली एक्ट एज मसल पंप, ठीक है ना। इज कंबाइंड विद द कंप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द लिम टू इंक्रीज द वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड हेंस रिलीफ एडिमा एंड स्वेलिंग। देखिए, ये फेराडिक अंडर प्रेशर क्या करता है कि मसल को पंप कराता है, ठीक है ना। मसल को क्या करता है? मसल को कंप्रेशन रिलैक्सेशन करता है, जिसके क्या होता है, मसल क्या करता है, कम पंपिंग करता है, ठीक है ना। अब मसल पंपिंग से क्या होगा, उस जगह पर क्या होगा, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एडिमा और स्वेलिंग क्या होता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है ना। एडिमा कम होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा क्या हमारे पास है, टेक्निक। इसका टेक्निक कैसे, किस प्रकार से हम इसको टेक्निक का यूज करते हैं, किसमें? फेराडिक अंडर प्रेशर में। तो हमारे पास दो टेक्निक होता है। पहला होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक होता है फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा होता है नर्व कंडक्शन टेक्निक, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक, उसे हम समझते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक क्या है, दिस इज द, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक में, कि पेशी इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द कन्वीनियंट एरिया अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है ना। हमारा जो कन्वीनियंट एरिया है, जहाँ से मेरा, मान लीजिए मैं जिस जगह पर मेरा स्वेलिंग हुआ है, ठीक है ना, जिस जगह पर मुझे एडिमा है, उस जगह में एक कन्वीनियंट एरिया ढूंढूंगा, उस जगह पर मैं अपना पेशी इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दूंगा। हमें पता है ना पेशी इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपको एबीसी का रूल पता है कि नहीं? एबीसी क्या है, ए क्या है, ए बी सी, ए क्या है, एक्टिव, बी ब्लैक, सी ये होता है कैथोड, ठीक है ना। जो कैथोड होता है वो ब्लैक कलर का होता है और साथ ही साथ वो क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है ना गाइस। तो हमारे पास पेसिव इलेक्ट्रोड को हम कहाँ पर प्लेस करना है, कॉन्वीनियंट एरिया अप्रॉक्सिमली टू द, किसके अप्रॉक्सिमल होना चाहिए वो, एडिमा के, ठीक। और एक्टिव इलेक्ट्रोड को, और हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड, इस एक्टिव इलेक्ट्रोड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं, इस एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द मसल ग्रुप वेयर द एडिमा इज सीन, उस मसल ग्रुप में जहाँ पर एडिमा हो वहाँ पर हमें उसको प्लेस करना है, कहाँ पर, एक्टिव इलेक्ट्रोड को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना है, जहाँ उस मसल के ग्रुप पर जहाँ पर हमें एडिमा दिखाई दे रहा हो वहाँ पर हमें एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। पेशी इलेक्ट्रोड को जहाँ से हमारा स्वेलिंग या एडिमा प्रॉक्सिमली हो, उस कॉन्वीनियंट एरिया पर हमें अपना पेशी इलेक्ट्रोड को वहाँ पर प्लेस कर देना है, समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं अपने दूसरा टेक्निक के पास, जिसका नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व कंडक्शन टेक्निक, ठीक है ना। फर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक हो गया, नर्व कंडक्शन टेक्निक क्या होता है, फॉर दिस लिम्ब विच इज द मोर एडिमेटस इट इज द डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल
बाई स्टिमुलेटिंग मोटर पॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि देखिए लिम के लिए जो मान लीजिए मोर एडिमेटस है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है उसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन से हमें तो स्वेलिंग थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन हमें ज़्यादा रिलीफ उससे नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं, इस कंडीशन में उपयोग करते हैं नर्व कंडक्शन टेक्निक का। समझ में आ रहा है गाइस? इस कंडीशन में हमें जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो उस टेक्निक में उस जगह पर हमें नर्व कंडक्शन टेक्निक का उपयोग करते हैं, ताकि क्या करें, ये नर्व कंडक्शन टेक्निक क्या करते हैं, सो इन दिस केस ऑफ नर्व कंडक्शन टेक्निक इज यूज, और नर्व कंडक्शन टेक्निक से हमें मोर बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू मसल कॉन्ट्रेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन टेक्निक में क्या होता है, हम छोटा एडिमेटस एरिया है, ठीक ना, उसको हम कंप्रेशन रिलैक्सेशन मसल के कंप्रेशन रिलैक्सेशन से उस एडिमा को और स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे जगह पर हो, ठीक है ना, बड़े जगह पर हो, इनके ठीक समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन से एडिमा का थोड़ा बहुत कम तो होगा लेकिन वो रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जहाँ पर एडिमेटस एरिया हमारा बड़ा हो, लॉन्ग हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमें किसका उपयोग करते हैं, नर्व कंडक्शन टेक्निक का। ठीक है गाइस, तो नर्व कंडक्शन टेक्निक में हमें पेशी इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशी इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना है, पेशी इलेक्ट्रोड ओवर द कॉन्वीनियंट एरिया, जहाँ से एक कॉन्वीनियंट एरिया है जहाँ से हमारा एडिमा या स्वेलिंग कहाँ हो, नज़दीक हो, ठीक है ना, उस एरिया में अपना पेशी इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दो। और एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना है, एट द मोटर पॉइंट वेयर द नर्व इज सुपरफिशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना कि हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर प्लेस करना है, मोटर पॉइंट पर, जहाँ पर अपना हमारा नर्व क्या हो, सुपरफिशियल हो, वहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड को पेश करना है। ठीक, डोसेस की देखिए, डोसेस के बारे में बात करें, डोसेस क्या होता है, टिपिकल टाइम पीरियड फॉर द कॉन्ट्रेक्शन यूज्ड इज 5 मिनट ऑफ रेस्ट फॉलोड बाय द 3 to 5 मिनट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना। डोसेज कैसे कैसे डोसेज देना है कि 5 मिनट अगर हम रेस्ट करें तो 3 to 5 मिनट्स उसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, थ्रू दी करंट। ठीक, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द 4 to 5 times, टोटल टाइम पीरियड इज टोटल ट्रीटमेंट हाफ एन आवर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो आधे घंटे में हमारा जितना भी टोटल टाइम पीरियड है उसमें 4 to 5 times ऑफ टोटल पीरियड हम क्या है, इसको प्रोसेस को रिपीट करना है। समझ में आ रहा है गाइस? तो इस कंडीशन में कैस में फेराइडिक अंडर प्रेशर में, हमने फेराइडिक अंडर प्रेशर में क्या चीज़ को रिलीव कर रहे हैं, हम एडिमा और स्वेलिम को कम करने के लिए करते हैं, अपर लिम और लोअर लिम में। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया फेराइडिक अंडर प्रेशर। अब आता है हमारे पास दूसरा केस, फेराइडिक फुटबॉल, ठीक है ना। फेराइडिक फुटबॉल की टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, दिस टेक्निक इज यूज टू स्टिमुलेट द स्मॉल मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, है ना, इसमें स्टिमुलेट किसको कर रहे हैं, स्मॉल मसल ऑफ फुट ठीक है ना, करेक्ट द पेनफुल फुट कंडीशन एज वेल एज फ्लैट फुट कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमारे पैर के जो मसल्स होते हैं, स्मॉल मसल्स है, ठीक है ना, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है ना, उसको पेनलेस बनाने के लिए, उसमें जो पेन है, ठीक है ना, उस पेन है उसको कम करने के लिए हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, किसका, फेराइडिक फुट बाथ का, ठीक है, क्योंकि पैर का जो मसल होता है, पैर में बहुत सारी मसल्स होती हैं, हम एक मसल को पर्टिकुलरली एक मसल को हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं, तो बहुत सारी मसल को एक साथ ट्रीट करना है, तो हमें इस टेक्निक का, फेराइडिक फुट बाथ टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, दिस फुट हैज गॉट 4 layers ऑफ द मसल, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टिमुलेट दिस मसल बाय द देयर द मोटर पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारे पैर के जो मसल होती है, 4 layers ऑफ द मसल, पैर में जो मसल होती है 4 layers ऑफ द मसल होती है, सो डिफिकल्ट होता है हमें स्टिमुलेट करना, क्या, मोटर पॉइंट से किसको, उसके मसल को, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, सो इन दिस कंडीशन मसल इज स्टिमुलेटेड बाय द प्लेसिंग द फुट इन द वाटर बाथ, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम किसी एक पर्टिकुलर मसल को स्टिमुलेट ना करके पूरी मसल को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि उस मसल के साथ साथ वो जो हमारा इफेक्टेड मसल हो वो भी रिलीफ हो जाए, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन मसल आर स्टिमुलेटेड बाय द प्लेसिंग ऑफ द फुट इन अ वाटर बाथ। तो इस टेक्निक हम वाटर बाथ में पैर को वाटर बाथ वाटर भरी कंटेनमेंट उसको डुबाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको वहाँ पर हमें फेराइडिक करंट सप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना, दिस टेक्निक इज कॉल्ड फेराइडिक फुट बाथ,
दिस टेक्निक इज कॉल्ड फेरेडिक फुटबॉल। तो चलिए मेथड क्या होता है इसमें देखिए गाइस, मेथड की बात करें तो मेथड इसका हमारे पास होता है तीन टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो तीनों टाइप के मेथड को अब हम समझाएंगे, ठीक है। द पेशेंट शुड, तो मेथड क्या होता है, द पेशेंट शुड सीट इन हाई स्टूल द अफेक्टेड फूड वाइल द ट्रीटमेंट शुड बी प्लेस्ड इन अ ट्रे कंटेनिंग वाटर, ठीक है ना। जो पेशेंट को हमें किसमें बैठाना है, हाई स्टूल में, ताकि हमारा पैर लटकते रहे। फिर उस पैर को, जो लटकने वाला पार्ट होता है, जो उस पैर को हम क्या करते हैं, ट्रे में कंटेनिंग जिसमें वाटर भरा होता है, उस पर हमें उसको पैर को डुबा देते हैं, ठीक है ना। द इलेक्ट्रोड इज अरेंज इनसाइड द ट्रे फॉर द डिफरेंट पर्पज, ठीक है ना। अब उसके अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर, वाटर कंटेनिंग कुछ भी इक्विपमेंट हो, उसके अंदर हम किसको, इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। और हमें डिफरेंट पर्पज के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट पोजिशन में अपने इलेक्ट्रोड को रखना होता है, ताकि हमारा डिफरेंट वर्क हो सके। पहला कंडीशन है फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द लंब्राइकल्स। यदि हमारे लंब्राइकल्स को हमें स्टिमुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड, ठीक है ना। यदि हमारा लंब्राइकल्स मसल को स्टिमुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड हील, ठीक है ना। पैसिव इलेक्ट्रोड हील पर रहेगा एंड द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड एट द रीजन ऑफ द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। देखिए हम कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द लंब्राइकल मसल। अगर हमें लंब्राइकल मसल को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमें पैसिव इलेक्ट्रोड को किस पर रखना है, हील पर रखना है, और एक्टिव इलेक्ट्रोड को मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पर रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द प्लांटर एंड्रोसियाई मसल, ठीक है ना। प्लांटर एंड्रोसियाई मसल को अगर हम स्टिमुलेट करना है तो बोथ द एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ट्रांसवर्सली अक्रॉस द मेटाटार्सल, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टिमुलेट द प्लांटर एंड्रोसियाई मसल में हमें क्या करना है, बोथ द एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोड को क्या कर दे रहे हैं, प्लेस्ड ट्रांसवर्सली, ठीक है ना। ट्रांसवर्सली हम उसको प्लेस कर देंगे आमने सामने अक्रॉस द मेटाटार्सल जॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, देखो इसको आमने सामने हमने इसको प्लेस कर दिया, कौन सी कंडीशन में, अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं प्लांटर एंड्रोसियाई मसल को, ठीक। थर्ड कंडीशन हमारे पास आता है, ठीक है ना, थर्ड, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हुलेक्स वल्गस। हुलेक्स वल्गस क्या होता है गाइस, देखिए कई बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंगूठे अंदर की तरह दबे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अंदर की तरह जो हमारा ग्रेट टो होता है, जो हमारा अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा होता है, वो अंदर ऐसे धंसा होता है, ठीक है ना। ये उभरा रहता है और जो अंगूठा होता है अंदर ऐसे धंसा होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हुलेक्स वल्गस, ठीक है ना। हुलेक्स वल्गस में द पैसिव इलेक्ट्रोड इज पेन इलेक्ट्रोड इन विच प्लेस्ड इज द मोटर पॉइंट ऑफ द एबडक्टर पोलिसेस मसल एंड अदर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल। देखिए इस कंडीशन में पैसिव इलेक्ट्रोड को कहां पर प्लेस करना है, पैसिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है द मोटर पॉइंट ऑफ द एबडक्टर पोलिसेस मसल, ठीक है ना। तो एबडक्टर मसल पर हमें कहाँ किसको रखना है, पैसिव इलेक्ट्रोड को एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर रखना है, जहाँ पर जो हमारा ग्रेट टो है वहाँ पर अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड को रख देना है, ठीक है। जैसे हमने डायग्राम में देखना है, देखिए पैसिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पर रखना है, जहाँ पर मोटर पॉइंट हो, तो किसका, उस मसल के मसल के एबडक्टर का मोटर पॉइंट हो वहाँ पर रखो, और जहाँ मेरा इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर रख दो मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड को। तो इस प्रकार ये हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किसको, हुलेक्स वल्गस को। तो ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया फेरेडिक फूड बाथ एंड फेरेडिक अंडर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस, तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।